सैयद कमरुद्दीन है। हम जो है 40 साल से किरापुरे में रह रहे, दो घर वालों ने जो तो नाले पे पूरा अतिक्रमण करे हुए, कम से कम 10 फीट का नाला जो तो सिर्फ 2 फीट का हो गया। और वो बारिश की वजह से जो तो उनकी दीवार भी गिर गई, पूरा घर का नाले पानी पूरा घर में आ रहा, और जो तो पानी जाने की जगह नहीं है। कम से कम निवेदन कई बार दे चुका हूँ, अभी और एक बार मैं जो तो निवेदन दे रहा हूँ। मैं जो तो झोन नंबर 3 में भी निवेदन दे चुका हूँ अभी, और महानगर पालिका लेकर में जो तो अतिक्रमण विभाग में भी जो तो निवेदन दे चुका हूँ, और अभी जो तो भोर से आपके हफ्ते में वेट कर रहा हूँ। क्या डिमांड क्या है? बस वो नाला बड़ा हो जाना, जो नाले की जो तकलीफ है, पूरी गली वालों को जो है तो पीने का पानी भी खराब आता है, और जो है तो हमारे पास घरों में हर एक के घरों में बावड़िया है, और वो बावड़िया जो है तो पूरे नालों से भर जाती, और ड्रेनेज लाइन हमारी जो तो नीचे हो गई हुई है, और नाला हमारे सर से ऊपर हुआ है। ये कंडीशन हमारी ऐसी चल रही है, ये कम से कम जो तो 15 से 20 सालों से ऐसी तकलीफ चालू है। इसके पहले भी निवेदन दे चुका हूँ मैं 10 साल पहले, पर वो निवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण में दिया हुआ है, महापौर की साई ने मेरे पास महापौर का भी निवेदन दिया चुका हूँ मैं, अभी अब ज्यादा हो चुका है, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त। गली में जब मलबा गिरा था सामने वाला घर का, उस समय मलबा गिरने के बाद में आपने जो जिसका मलबा गिरा उससे शिकायत की, तो उसका क्या बोलना है? उसका बोलना ये है कि मेरे को तकलीफ नहीं है मलबे से, तकलीफ आपको है। तो मैंने भी एक मेरा खुद का वीडियो बनाया हूँ कि मैंने जो तो घंटा भर नाले के अंदर घर को आया, मैं बाहर गो रहता, यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर गो से आया हूँ, नाला पहले साफ करा, उसका वीडियो है मेरे पास, मैंने पूरा नाला साफ करा, बाद में मेरे घर में घुसा, घर में इतना पानी था। ये नाले का पानी गुजर रहा, और वो पूरी नाले की दीवार, उनकी दीवार जो है वो अतिक्रमण के जो है घर, तो वो पूरा नाले में गिर गया, उससे इतनी तकलीफ हो रही है। और उन्होंने बोल रहे बार बार कि ये तकलीफ हमारे को, तुमको तकलीफ है तुम उठाओ, ये जो हमारा मलबा गिरा दीवार का, तो तुमको तकलीफ है, जितने घर वालों को तकलीफ हो रही उतने लोग उठाओ ये पैसा, मतलब घान। हम 5-6 घर वाले हैं, और ऐसी गली में हमारा पूरा पानी खराब हो जाता फिर बॉडियों का, तो बोले पूरे लोग मिलके उठाओ, नहीं तो तुमको तकलीफ है तो तुम उठाओ। अब कैसा करना ये? महानगर पालिका से क्या अभी महानगर पालिका ने हमारा कुछ करना ना, हल निकालना ना। अभी अब कितने सालों से हम हमारे परेशानी उठा रहे ना, पानी की हर चीज की, वहाँ पे नाले की घरों में पानी घुस जाता हो, ये होता तकलीफ होती ना। नाला जो है तो वो चौड़ा होना चाहिए क्या? बस हमारा नाला जो 10 फीट का नाला है, तो नाला ही चौड़ा हो जाना, बस जितना 10 फीट का नाला है उतना नाला हो जाना। और ऐसा देखा जाए तो रजिस्ट्री प्यार कार्ड में हमारे घर के भी आगे नाला वो है नहीं, वो नाला ही है सिर्फ, घर नहीं है। और हमारे घर के आगे अभी वो सामने से 2-3 फीट की जगह नहीं है वो बेचारे की, और उसने इतना अंदर से पूरा ऐसा घेरा हुआ है, देखो आप लोग आके नहीं।